एवरीवन, एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप सभी के लिए लेकर एक न्यू ड्रामा को, जो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो एक कोरियन फनी ड्रामा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वो ड्रामा बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। एंड गाइस, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मैं अपने दूसरे चैनल पे आई मीन एनीथिंग एक्सप्लेन इन हिंदी 2 पे एक बहुत ही अच्छा चाइनीज ड्रामा को एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप चाहते हो तो जाके आप उस ड्रामा को देख सकते हो। मैं आशा करती हूँ कि आपको वो ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एंड गाइस, आपसे बस यही सिफारिश है कि आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो चलिए चलते हैं बिना कोई देरी के इस कोरियन ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत एक बस में बैठे औरत और मेन लीड कैरेक्टर से होती है, जहां वो औरत बस चुगलियां ही किए जा रही थी कॉल पे, जहां पे उस लड़के का स्टॉप आ जाता है। वो नीचे उतरने वाला था, उस औरत की तान घींच की वजह से उसका स्टॉप छूट जाता है, लेकिन वो दूसरे पर काउंट करने लगता है। एंड देन अगले ही पल वो दूसरे स्टॉप पे रुकता है। वहाँ बारिश भी हो रही थी, जिस वजह से उसे बहुत अनोइंग लग रहा था। उसे बस स्टैंड में अम्ब्रेला मिलती है, वो ले लेता है, बट वो भी उसका ज्यादा देर तक साथ नहीं देता है। ज्यादा हवा के बहाव से वो टूट जाता है और वो अपने रिलैक्स के लिए साइड पे जा सिगरेट पीने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे भी उसकी किस्मत कुछ अच्छी नहीं होती और उसके ऊपर कुछ जमा हुई पानी गिर जाती है। वो गीला हो जाता है, जिससे वो इरिटेट हो चुका था। और यहाँ एक औरत उस लड़के को बोल रही थी कि लगता है तुम्हें बारिश के मौसम अच्छे नहीं लगते हैं, और वो लड़का उसे आज के परेशानियों के बारे में काफी परेशान मन से बता रहा था। और मैं बता दूं, ये औरत साइकेट्रिस्ट है और इनका नाम हान जी योंग है। वो उसे पूछती है कि तुम गुस्से में हो। वो साफ साफ मना करते हुए बोलता है वो अब बदल चुका है, जिससे साइकेट्रिस्ट उसे दूसरी बार भी यही सवाल करती है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो बार बार बोल रहा था मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, और वो अब बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है अपने प्रॉब्लम से, और वो अपने ट्रीटमेंट के साथ कमिटमेंट है। और वो बोलता है मैं यहाँ कैसे बैठा हुआ हूँ और कैसे हर एक चीज बता रहा हूँ, और कैसे मैं अपने पैंट का वेट उठाता था जब 8 में था, और कैसे मैं अपनी माँ के पैसे को सेल किया करता था। तो क्या मैं सोच सकता हूँ एक चीज पे स्टॉकिंग और बॉन्डेज करने का? मैंने आपको हर चीज बता दी जब मैंने ऑर्डर किया था मेरे साथ क्या हुआ, और उसे पता भी है उसे कैसा फील होता है। हर दिन मैं हाई मेडिसिन में रहता हूँ, मैं ज्यादातर सोता हूँ जगने से ज्यादा। अब तो मैं आपको ये भी नहीं बता सकता हूँ आज या कल मेरे लिए होगा कि भी नहीं, और बस मैं पूरे दिन खा सकता हूँ, सो सकता हूँ और क्रैब कर सकता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एक क्रैब बनाने वाली मशीन हूँ, जो मुझे सच में फील होता है। और वो उन्हें बताता है कि उसे PTED है और साइकेट्रिस्ट सब कुछ लिख रही थी। मैं पूछती है तुम्हारा हाथ उतने देर में बोलने लगता है, आपको क्या लगता है मैं सबसे लड़ता फिरता हूँ? अरे वो तो मैं बस एक दीवार से हिट हो गया था। वो पूछती है उसका हाथ ठीक है ना, और हमें उसका हाथ दिखाया जाता है जो काफी इंजर्ड होता है, और हमें उस लड़के के फेस में बहुत ज्यादा डीपली परेशानी दिखती है, क्योंकि वो अपने PTED से बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ हम उस लड़के को वॉक करते हुए देखते हैं, जहाँ एक लड़की आके उसे अपना इंट्रोड्यूस कराने लगती है कि वो कोई स्ट्रेंजर नहीं है, वो तो एक स्टूडेंट है, और क्या वो उसकी सर्वे में मदद कर सकता है। लेकिन वो मना कर वहाँ से जाने लगता है, जहाँ वो लड़की उसे मस्का लगाने लगती है, पर फिर भी वो नहीं मानता। और वो लड़की बोलने लगती है तुम दिखने में कोल्ड लग रहे हो, पर शायद तुम्हारा दिल है जो गर्म है, जो कोई देख नहीं सकता है, और यही वजह है जो तुम फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हो। वो बोलता है जाओ जाओ यहाँ से जाओ, क्या तुम सुन रही हो? और वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाते ही अब ये स्टूडेंट दूसरे पर्सन को यही सब बोलती है जो वो अभी अभी हीरो को बोल रही थी, बट वो हीरोइन का मुंह देखते ही दूसरे लंगूर के शिकार करने चली जाती है। और अब ये लड़का आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसकी किस्मत यहाँ भी कुछ अच्छी नहीं होती है। इसके पैरों से उसका एक चप्पल निकल के दूर में रह जाता है और उसके पैरों में चोट आ जाती है। जहाँ हीरोइन पीछे थी, वो उससे अपना चप्पल मांगता है, वो ऐसा फेंकती है कि चप्पल दूसरे साइड जा गिरता है। गाइज, आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और अब हम हीरोइन को हाफते हुए देखते हैं, जो साइकेट्रिस्ट के पास बैठी हुई थी। वो उससे पूछती है कि उसके बालों में जो फूल है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और वो ऐसे फूल के बारे में नहीं जानती है। हीरोइन बताती है ये एस्टर योमेना है, क्या ये पागलों की तरह नहीं दिख रहा है? मैं चाहती हूँ लोग मुझे अवॉइड करें। और वो उस लड़के के बारे में बताती है कि वो पागल लड़का थोड़ा अलग है। जहाँ हम देखते हैं कि बस स्टॉप पे हीरोइन ने भी उसे देखा था, उसे लगता है वो सामने से उसे फॉलो करेगा, और उसे कोई आइडिया नहीं है वो उसे कैसे ढूंढेगा। साइकाइट्रिस्ट बताती है जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें फॉलो ही करे। वो बोलती है आप सही हो, उसे कैसे पता चलेगा मैं कहाँ जाती हूँ? ऐसा भी तो हो सकता है वो मेरे में जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है। साइकाइट्रिस्ट पूछती है वो दोनों साथ मिले हैं? हीरोइन बोलती है वो ज्यादा ही सोच रही है, और साइकाइट्रिस्ट बोलती है इससे ज्यादा भी हो सकता है। और हीरोइन बताने लगती है कि उसने
एक बार देखा था उसे। जहाँ हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ हीरो को छाते से चोट लग ब्लड आने लगता है जिससे वो अम्ब्रेला को पटकने लगता है। हीरोइन डर जाती है और उसे लगता है कि वो उसकी तरफ गुस्से से आ रहा है और वो लिफ्ट को बंद करने की कोशिश कर रही थी बट लिफ्ट बंद नहीं होती और वो दोनों में फाइट चालू हो जाती है। यहाँ प्रेजेंट में हीरोइन बोल रही थी उसे लगता है कि वो उसे असल्ट करना चाहता है और वो उसके साथ क्रीपी बिहेव करता है। लकीली उसके पास उसका अम्ब्रेला था, अगर ना होता तो ऊपर वाला ही जानता है कि मेरा क्या होता। और हम देखते हैं एक और फ्लैशबैक उसी दिन का जहाँ एग्जैक्ट हुआ ये होता है कि वो लिफ्ट पे हाथ पटक रहा था, हीरोइन ने कुछ अलग ही सोच लिया था और वहाँ पे उसने भी उसे जमकर पीटा हुआ था और वो अपना डोर बंद कर देती है जिससे हीरो ऑफेंड होकर गोरिल्ला की तरह चिल्लाने लगता है। और हम हीरो को अपने आप को कोसते हुए बोलते हुए देखते हैं कि उस लड़की ने अपने बालों के साइड में फूल लगाया हुआ था। और हम इधर हीरोइन को देखते हैं जो कुछ फोटोग्राफ्स को देखकर खुश होने लगती है जिसे देख साइकेट्रिस्ट उसको लेकर कुछ लिखने लगती है। हम देखते हैं हीरोइन को जो कन्वीनियंट स्टोर आती है और उसका ध्यान हीरो पर जाता है जिसे देख वो डर के छिप जाती है जिसे एक स्टाफ को देख बड़ा अजीब लगता है। हीरोइन बहुत सहम जाती है जो कहीं ना कहीं स्टाफ को भी अजीब लग रहा था। हीरोइन उस स्टाफ को उस आदमी को देखने को बोलती है कि वो उसे देख तो नहीं रहा है लेकिन जब वो उसे देखने वाली होती है कि वो उसे मना कर देती है कि कहीं वो उसे देख ना ले और वो जाने लगती है। लेकिन उस स्टाफ को आगाह करके जाती है कि केयरफुल रहना इस आदमी से और वो जाने लगती है बट एक बार उसको मुड़ के देख चली जाती है। और यहाँ हीरो नूडल्स खा रहा था, उसे लगता है दूसरे डब्बे में कुछ मिसिंग है। वो उस स्टाफ को इसे रिटर्न करने को बोलता है। वो बोलती है अब ये ओपन हो चुकी है तो वो इसे रिफंड नहीं कर सकती है। वो बोलता है हाँ पर उसने जब उसे पॉर किया तो उसे रियलाइज हुआ कुछ मिसिंग है और क्या उसे पता है ये चिली ऑयल है और तुम इसे बिना ऑयल नहीं खा सकती हो, ये बहुत ब्लैंड हो जाता है, ये तो ऐसा लगता है मानो उदान के बिना खैल को खाना। और क्या उसे समझ में आ रहा है जो वो बोल रहा है, उसे न्यू चाहिए। वो कुछ जवाब नहीं देती तो वो बोलता है उसने थोड़ा भी नहीं खाया क्योंकि इसमें ऑयल नहीं था। वो बोलती है प्लीज आप मैन्युफैक्चरर को कॉन्टेक्ट करें। वो बोलता है पर मैंने यहाँ से खरीदा है तो यही ना बोलूंगा, तुम ऐसे किसी कस्टमर को ट्रीट नहीं कर सकती हो। वो देखता है उसने रिकॉर्ड लगा दी है तो वो बोलता है ये क्या हो रहा है, तो वो बोलती है वो पुलिस को कॉल कर देगी। वो बोलता है एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो नूडल का डब्बा ऊपर से चिली ऑयल भी नहीं। लेकिन स्टाफ बोलती है ये लास्ट वार्निंग है, अगर ज्यादा बोला तो वो कॉल कर देगी। वो मान जाता है खाने को तो वो ठूस रहा था और हम और वो स्टाफ देखती है कि इसने वो चिली ऑयल अपने डब्बे के नीचे चिपका ली थी। इससे हम इतना तो समझ जाते हैं कि स्टाफ उससे तंग आ चुकी थी, अब उसने खा लिया था, पेट भर गया था, उसे बाथरूम आया था। तो वो पूछता है बाथरूम कहाँ है, वो बोलती है यहाँ बाथरूम नहीं है। लेकिन की वही होता है जिसे वो बोलता है कि वो उसे की दे दे। वो बोलती है कि वो पुलिस को कॉल कर देगी। वो जाता है वहाँ से भागते हुए। उसके जाने पर स्टाफ बोलती है कि शुक्रिया वापस आइएगा जरूर, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था भैये वापस मत आना। और यहाँ बेचारा दौड़ रहा था और खुद को कोस रहा था कि उसे डायरिया क्यों है। और वो भागते भागते हीरोइन के पीछे आ जाता है। हीरोइन जल्द लिफ्ट में जाती है और डोर बंद कर लेती है। लिफ्ट के ना खुलने पर वो सीढ़ी पे चढ़ जाता है जहाँ दोनों साथ बिल्डिंग पहुँचते हैं। वो डर से रूम को जल्दी से लॉक कर लेती है बट वो अपने घर को अपने मॉम को खोलने को बोलता है, वो जल्दी खोलती है बट वो जैसे बाथरूम जाता है वहाँ उसके डैड होते हैं। वो फिर से खोलने लगता है, उसे बहुत जोर की आई होती है। उसके डैड उसे आते ही जाने नहीं देते बल्कि उसके साथ गाली गलौज करने के साथ उसे मारने भी लगते हैं। अरे भाई पहले करने दे बेचारे को, बाद में जो करना होगा कर लेना। लेकिन उसके डैड नहीं रुकते। अब कुकर की सीटी के साथ वो भी लीक हो जाता है, अब वो हल्का हो जाता है, अब उसके डैड को गंदी स्मेल आने लगती है। अब हम देखते हैं कि हीरो की मॉम उसके कपड़े धो रही होती है। हीरो बोलता है आप मत छूइए ये गंदा है। वो बोलती है ये गंदा नहीं है, जब वो बच्चा था तब भी तो वो ऐसे ही उसके डायपर्स धोया करती थी, अब चाहे जैसा भी बेटा माँ तो माँ होती है। और उसकी मॉम बोलती है उसे याद है वो जब बच्चा था तब वो क्यूट हुआ करता था। तो वो बोलता है क्यूट मेरा फुट। और गाइस मैं बता दूं कि हीरो का नाम हुई ओ है। और उसकी मॉम बोलती है कि उसके आने के बाद ये तो वो बताना भूल ही गई कि वो बहुत ग्लैड है जो उन्हें पता चल गया फॉर्चून टेलर के बारे में। उसने कहा तुम जन्मे हो ट्रीज एनर्जी के साथ और तुम्हारा नाम फुल ऑफ फायर है, तुम एक ट्री ऑन फायर हो, इसका मतलब साफ है तुम बेसिकली ब्रंट हो एक ब्लैक चाकोल की तरह, जरूरत होगी कुछ वाटर की एनर्जी सब्ड्यू फायर के लिए। हुई वो बोलता है ये झूठ बोल रही है मॉम। मॉम बोलती है तुमने देखा है तो तुम कैसे बोल सकते हो, वो हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करती है, तो मुझे उसके लिए कुछ अच्छे नाम समझ आए हैं, बताना कि तुम्हें कौन सा बेस्ट लगा, नो रियू हा या नो चियांग हो या नो युआन या फिर नो डैम। वो बोलती है उसका फेवरेट तो डैम है क्योंकि इसका मतलब क्लियर पाउंड होता है। यू ओ बोलता है डैम ये बिल्कुल
बिल्कुल पानी के डैम जैसा लगता है, जहाँ उसे यह नाम बिल्कुल बकवास लगता है। उसके डैड उसे टोंट मारते हुए बोलते हैं, इतना लायक से क्या बात कर रही हो। वह उन्हें सुनाने लगते हैं। उसकी मॉम बोलती है, हुई ओ इसलिए बीमार है क्योंकि उसे कुछ पसंद नहीं। हुई ओ बोलता है, आप क्या कहना चाहती है, मुझे प्यार नहीं मिला है। और हाँ, ये दोनों बिल्कुल बंद कीजिए, आप क्या यहाँ काम करने के लिए आई है। और इतना ज्यादा खाना खरीदना बंद कीजिए, हम बस कुछ खा सकते हैं, आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। और उसके डैड फिर से ताना कसते हुए उससे भला बुरा सुनाने लगते हैं, जिसे उसकी मॉम चिल्लाने लगती है और रोने भी लगती है और बोलने लगती है, उसका बेटा बहुत ज्यादा अकेला है, इसलिए तो आज उसका बेटा अपने पैंट में ही हल्का हो गया। और उसके डैड उनसे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन हुई ओ की मॉम उसको धक्का मार देती है और बोलती है, आप हमेशा यही बोलते हैं। यहाँ हुई ओ हॉट बात लेने आया था, जहाँ वो हीरोइन के बारे में सोच बोलता है, तुम भी एक पागल हो, बट तुम्हारे जैसा एक और पागल है। और हम हीरोइन को अपने रूम को लॉक करते हुए देखते हैं, जहाँ उसको गैस निकलने की महक आती है। वो देखती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक बॉक्स से अपने बिल्डिंग का नाम फाड़ फेंक देती है और यहाँ पे ये स्टाफ स्टोर से निकल गई थी और वो जाए जा रही थी, लेकिन कोई उसे फॉलो कर रहा था। और यहाँ हम हीरोइन को अपने सर में फूल लगाते हुए देखते हैं और हम देखते हैं स्टाफ के सामने वही आदमी आता है जो उसे फॉलो कर रहा था। वो अपने सारे कपड़े लत्ते उसके सामने खोल देता है। वो अचानक से उसका पिक ले लेती है, वो उससे जबरदस्ती करने लगता है। हम हीरोइन को देखते हैं जो सामान डस्टबिन में डालने आई थी, उसे डॉगी मिलता है। वो कहीं भाग जाता है, सामने से हुई ओ आ रहा था। हीरोइन उसे ढूंढते ढूंढते पार्किंग लॉट पहुंच जाती है। वो डॉग उसे कार के नीचे मिलता है। वो बोलती है, उस डॉग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे घर लेकर जाएगी। और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके सामने हुई ओ आ जाएगा। और उसे एहसास होता है कि हुई ओ आ रहा है। वो काफी डर जाती है। वो आते ही बोलता है, क्या कर रही हो। वो डर के मारे सीसीटीवी के पास हेल्प मांगने लगती है। और हुई ओ को कोई माजरा समझ ही नहीं आ रहा था और वो डर के मारे कार में चढ़ के उछलने लगती है। हुई ओ उससे बार बार मना कर रहा था, लेकिन वो पागलों की तरह यहाँ चिल्लाई जा रही थी और वो भी एक पागलों की तरह रुकने को बोल रहा था और उसके साथ कुत्ता भी चिल्ला रहा था। और इसी के साथ इस एपिसोड की दी एंड हो जाती है।